So now we are entering the Bagori village. Yeah. This is the entrance of Bagori village. You can see it. Grand entrance. You can see the mountains. People standing, making some chuna, katta. So the story behind this Bagori village is that these people came from Tibet. The people just came from that Tibet. So when there was a war in between the British and our India, I just don't know. No, it was war between China and India. Yeah, that time the people just migrated from Tibet and they just came and stayed here. So the Indian government gave the place for the people who were just migrated and came from China. They are not China, exactly from the border of that China. So the people just came and migrated and they settled in this village, and later the village name was came as Bagori. So in this village the people mostly praise Buddhism and Lord Shiva. So you can just see there is a temple, Buddhist temple. ये ऐसा बात है कि जो उत्तराखंड से जो एक ट्रैक जाता है जिसका नाम है गर्तंग गली, तो उस गर्तंग गली ट्रैक से इंडिया और टिबेट जुड़े हुए थे. सो देर वॉज दिस पुल, देर स्टिल अ वुडन पुल. तो वहाँ से इंडिया से उत्तराखंड से लोग टिबेट जा सकते थे और टिबेट से लोग उत्तराखंड आ सकते थे. तो वहाँ वाले पायलट के जो लोग हैं, टिबेट वाले लोग हैं, वो वहाँ से इंडिया में आ गए इस गांव में. इस गांव का नाम है बागोरी विलेज. तो यहाँ पे हम लोग हर्षिल गांव से नेक्स्ट हम लोग बागोली विलेज में आए हैं. वे जस्ट वॉकिंग रैंडमली, सीइंग प्लेसेस. कोई लोग मिलेंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे. यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है. तो बागोरी विलेज इज़ अ ट्राइबल विलेज विच इज़ लोकेटेड एट द सेंट्रल फ्लैट रीजन इन बिटवीन जलंधरी एंड भागीरथी रिवर. मतलब दो रिवर के बीच में, जलंधरी एंड भागीरथी रिवर के बीच में ये गांव है. एंड यहाँ के लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एक तो है गार्डनिंग एंड और है हीप रेयरिंग. सो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस नीट क्लोथ्स लाइक दमकर, शॉल, पंखी, स्वेटर, कैप, सॉक्स, कोट फ्रॉम शीप्स वुल. मतलब बेसिकली जो अपने भेड़ बकरियाँ होती हैं, बकरियाँ नहीं शायद भेड़ से ही ये लोग उनका जो वूल है वो निकाल के ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है. और ये गांव के आसपास में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांव के आसपास में बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, मतलब छोटे छोटे खेत हैं एप्पल के हर तरफ. और द लोकेशन ऑफ मेनी टेम्पल्स लाइक लाल देवता टेम्पल, चैन टेम्पल, बुद्धा टेम्पल, रिंगाली देवी टेम्पल एंड मेनी शिव टेम्पल्स मेक इट अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. मतलब दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेम्पल्स. एंड इस गांव को वॉज ऑल्सो डिक्लेयर द फर्स्ट गंगा विलेज बाई इंडियन गवर्नमेंट. समझ रहे हो, मतलब ये पहला गंगा विलेज था. सो दिस प्लेस हैज़ अ ह्यूज हिस्ट्री. बहुत बड़ी बहुत ही सुंदर कहानी है इस गांव के पीछे. सो होपफुली हम लोग को किसी से मिलने को मिलेगा और उनसे बात करने को मिलेगा और कुछ जानकारी करने को मिलेगी. लेट्स सी, अगर कोई हमसे बात करने के लिए तैयार होता है तो ठीक है. सो विल कीप वॉकिंग, कीप मीटिंग पीपल, हैव सम टॉक्स एंड सी हाउ इट गोज. यहाँ पे आप देखो मंदिर ही मंदिर है हर तरफ. यहाँ पे एक पौराणिक लाल देवता मंदिर है. यहाँ पे आई थिंक बुद्धिस्ट टेम्पल है. हाँ, यहाँ लिखा हुआ है बौद्ध मंदिर. काफ़ी सुंदर जगह है यार ये तो. आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप तो देख ही सकते हो कि कितनी सुंदर है ये जगह. यस, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर. एक तरफ ईंटों की इमारतें हैं तो एक तरफ कुदरत की शरारतें हैं. एक तरफ शहरों की बाहें हैं. हम लोगों ने कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश करी पर वो बहुत शर्मा रहे.
को कुछ काफी ज्यादा शर्मिले है। शहरों की राहें तो एक तरफ अनजानी राहें, जाऊं कहां मैं जानता नहीं और ये दिल है कि मानता नहीं, जाऊं कहां मैं जानता। तो माँ कल बस एक आदमी मर गया, एक हादसा हो गया, एक हादसा में पूजा कर रहा है, इसमें तो माँ बना पापा है। अच्छा तो आप इसको भी गेहूं का बना दें? गेहूं का ये तो जी जी जी। यहाँ का तीन गांव का नाम है, एक गांव का बोटिया का नाम सांग बोलते हैं, एक नाम छोसांग बोलते हैं, आजकल नया नाम रखा नैनोंग जादू है। 1962 में यहाँ से ट्रांसफर हो गया, पहले तो ऊपर था, अब ट्रांसफर हो गया ऊपर। वो छोसा बोलते ऊपर बॉर्डर में। अच्छा टिबेट में? इंडिया में ही लेकिन बॉर्डर पे। अच्छा अच्छा वो तीन गांव जो थे वहाँ थे, पहले तो दो ही ऊपर थे। हाँ वहाँ से अब सारे के सारे लोग यहाँ आ गए, क्यों? यहाँ चाइना वो सब है ना, लारे हो गए, इसलिए यहाँ से ट्रांसफर किया है। और ये कब की बात है? 1862 में ऊपर लिखा है। 1862 में? 1862 में। अच्छा अच्छा तो अब सारे के सारे लोग जो है वो यहाँ वहाँ से यहाँ आके अभी रहने लगे हैं। तो यहाँ पे पहले गांव बसा हुआ नहीं था? पहले होगा होगा, इतना खास ज्यादा नहीं था, ज्यादा नहीं था, छोटा सा गांव था पहले। तो आप भी उनके साथ ही आए या फिर आपका जन्म तो देहरादून में हुआ है? जी जी जी। दो असल कहना था, इसमें तीन तीन होना था। हाँ अब जानवर मैंने आजू बाजू कर रहा है, अब अच्छा से समझा देगा। हाँ ये बोलते है ऐसे बताए, ये तोमा बोलते तोमा लांगे तेलोंग लाडू छंबू लाजा, तोमा लांगे बोलते वो रास्ता में वो साथी लोगों देने वाले, तोमा लांगे तेलोंग लाडू बोलते वो रास्ता वो बती जैसे जाने के लिए, छंबू लाजा बोलते ये रास्ता में खाने के लिए होता है, इससे होता है। अच्छा तो अभी इसका क्या करेंगे आप? ये कल पूजा करने से वो कल एक बूटा गुजरा गया, एक हादसा हो गया। अच्छा 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 इसी में पूजा करना है। तो इसको आप पकाएंगे ना? वो बना दे, इसी में तो घी डाल के बत्ती डाल के इसे करना है। अच्छा अच्छा असली ऐसे है ना, ये बीच में तोमा बोल तोमा तो मैं लांगे बोलते हैं रास्ता साथी लोगों खाने के लिए है। अच्छा ये तेंगलोंग बोलते हैं बत्ती है, बत्ती रास्ता में वो जाने के लिए ऐसे, वो छंबू बोले छंबू लाजा वो रास्ता खाने जैसे होता है, इसे होता। तो ये साथियों के लिए? हाँ ये जो उनके साथ जाएंगे साथियों के लिए। और ये उनको रोशनी दिखाने के लिए रास्ते में, रास्ता में। और ये उनके लिए, ये खाने खुद के खाने के लिए। अच्छा अभी मैं समझा, ऐसे होता है। और दूसरा वो होता है अब अब करो बनाओ। अच्छा बन गया, अब बन गया, अब पूरा हो गया हमारा काम। अब इसके बाद बनाएंगे आपकी बस आज का काम फिनिश, आज का काम हो गया, अब काम हो गया, अब कल बनाएगा, अब हो गया पूरा फिनिश। अच्छा तो बैठने के लिए ये आप कितने में बेचते हैं? ये 700 होगा। 700। और आप किससे बनाते हैं?
किस चीज से बनाते हैं? ये ऊन, अपने भेड़ का ऊन है ना ये। हम्म, ऐसे बनाते हैं ये धागा से, भेड़ के ऊन से। ये सब आपने बनाया? ये काम है यही। ये टोपी, टोपी, स्वेटर, मफलर, शॉल सब आपने बनाया? काम है यही। ये टोपी लड़का का है लड़की का है? लड़का, लड़की सब पहनता है, नहीं है सब का। अच्छा, टोपी कितने का है? ठीक है, देना मुझे, पहन के देखता हूँ मैं, अच्छा लगा तो ले लूँगा। अच्छा, ये ऐसे पहनना, सिले पीछे करना, ये पहन। आप पहना दो। हाँ पहनना है, आपको सिलना है। ऐसे पहनना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, ये पीछे होगा। ओके। कैसा लग रहा है? How is it looking? Yeah, it is not bad. Good. Should I buy this? You are. Yeah, you can just want, you can buy. I don't know how I'm looking. Yeah, wait, can you take a picture? ये भी देख ले। हाँ। कोई छोटा कोई बड़ा है ना? Yeah. This is muffler. Okay. Or that is shawl. That is shawl. What do you want, muffler or shawl? I just want muffler. Take muffler then. No, I'm just changing for color. I'm just. अच्छा color. Yeah. दूसरा color है. कैसा color? कौन सा? These are three colors.